Today I am going to teach you future perfect continuous tense. This is the 12 tense of proper my videos. This is the last future perfect continuous tense. So I am first coming to tell you what are the recognition of the is this tense. So first sentence की recognition क्या है? Sentence जो भी है हमारा, जो भी हिंदी से English translate करने के लिए जो भी हमारे पास sentence होंगे, तो उन वाक्यों में सबसे सिंपल है उनकी रिकग्निशन करना, उनकी पहचान कर लेना। सबसे सरल ये है कि उन वाक्यों के अंत में, जो अगर हमारा टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो उन वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहोगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड जो भी होंगे जरूर सेंटेंस के लास्ट में जरूर ऐसे वर्ड्स होंगे। तो ऐसे इससे सेंटेंस से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारा टेंस एक कैसा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और उसकी सबसे एक क्लियर रिकग्निशन ये है कि इन वाक्यों में जहां पर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, उसमें समय के लिए हिंदी में वर्ड से जरूर दिया होगा। कौन से वर्ड से? जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से। जैसे सीता 4 दिन से खाना पका रही होगी, वे 10 दिनों से विद्यालय में पढ़ रहे होंगे। तो फ्यूचर में जो भी सेंटेंस होगा वो कंटिन्यूअस के लिए होगा, परफेक्ट भी होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो जो टेंस हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी रिकग्निशन यही है, सबसे सरल है। और इसमें टाइम जो होगा हमारे पास, टाइम 2 टाइप्स का होगा। टाइम कैसा होगा? सर्टेन और अनसर्टेन। सर्टेन को हम लोग कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। अनसर्टेन को हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय। और इसके जो हमारे पास सर्टेन टाइम है उसके लिए होता है सेंस, अनसर्टेन के लिए होता है फॉर का यूज। तो जो भी हमारे पास समय है उसमें हमेशा निश्चित के लिए सेंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग चलते हैं इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स। इस टेंस में हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं? तो सबसे सिंपल इसमें भी है, जो भी है यहाँ पर है, कौन सा है? पहली हेल्पिंग वर्ब्स है इसमें शैल हैव बीन, और दूसरी है विल हैव बीन। तो शैल हैव बीन का यूज किसके साथ किया जाएगा? जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारे पास है वो इस आई और वी। जैसा पूरा टेंस में हुआ, जितना फ्यूचर इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी में वही जो है आई वी के साथ शैल हैव बीन। और फ्यूचर में यहाँ पर ये है, जितने भी और सब्जेक्ट्स बचे हैं आई वी को छोड़कर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जितने भी हैं, राम, श्याम, मोहन, सी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, पीपल, इन सभी का जितना भी है उसके साथ सबसे ज्यादा विल हैव बीन का यूज किया जाएगा। और जहां पर भी कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी का यूज किया जाएगा। तो अब हम लोग जान गए इस सेंटेंस और उसके स्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर हम लोग चलते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या है? सबसे पहले हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। जो भी हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? कोई भी सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव में हम लोग क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रखा जाएगा, इसको सब्जेक्ट को, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर उसके बाद एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज की जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, कर्म को रखा जाएगा, फिर जो भी अदर बचा है सेंस वर्ब में, फिर उसके बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज किया जाएगा, फिर लास्ट में, सबसे लास्ट में टाइम का यूज किया जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग सेंटेंस की ओर चलते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं क्या है। सेंटेंस हमारे पास है, पहला सेंटेंस क्या है, 10 बजे से छात्र अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। तो क्या कहा गया है? 10 बजे से छात्र, सब्जेक्ट कौन है? छात्र, अपनी फीस जमा कर रहे होंगे। तो इसमें पहचान हमको मिल गई। टाइम क्या है? टाइम रिकग्निशन ये है कि 10 बजे से, तो टाइम को मिल गया क्या है? 10 बजे से। तो टेंस की रिकग्निशन हमको मिल गई, टाइमिंग आ गई। तो क्या समय के लिए से है, और टेंसेस की पहचान क्या? रहा होगा, रही होगी। तो हमारा कंटिन्यूअस टेंस कैसा हो गया, और टाइम देंगे तो पूरा टेंस कैसा हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार जब ऐसे हमको पता चल गया है, तो हम लोग टेंस का ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो करेंगे, और पूरा सेंटेंस हमारे एक वन बाय वन तुरंत बनते चले जाएंगे, चाहे जैसा भी सेंटेंस सब बनते चले जाएंगे। तो जैसे 10 बजे से छात्र अपनी फीस जमा कर रहे होंगे, तो सब्जेक्ट कौन है हमारा? छात्र। तो छात्र क्या होगा? द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के क्या लगेगा? विल हैव बीन। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन, जमा करना, जमा करना, डिपॉजिटिंग। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डिपॉजिटिंग अपनी फीस। स्टूडेंट ज्यादा इसलिए
देयर फी और कितने 10 बने से 10 समय निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके लिए क्या हो गया सिंस 10 o'clock, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन डिपॉजिटिंग देयर फी सिंस 10 o'clock। इस तरह से हम लोग पूरे सेंटेंस को वन बाय वन रख कर चले आएंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेंटेंस की और दूसरा सेंटेंस क्या है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा यह है कि हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। तो सेंटेंस एकदम करेक्ट है, जैसे बनाना है कैसे, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। हम के लिए सब्जेक्ट क्या रखा गया, हम के लिए रखा गया सब्जेक्ट वी, वी के साथ क्या यूज किया जाएगा, आई वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करना है, तो वी शैल हैव बीन। फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म रीडिंग, फिर क्या इस कॉलेज में, यही हमारा ऑब्जेक्ट सब इमेजिन चलेगा इन दिस कॉलेज। और 3 साल से, 3 साल अनसर्टेन है तो अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 3 years, तो ये क्या पता हमारा सेंटेंस बना, वी शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बनता चला जाता है। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की हो, तो निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, तो जो भी निगेटिव सेंटेंस है मैं शैल या विल के बाद तुरंत उसके बाद नॉट रख देना है, या विल हैव शैल हैव बीन के पहले ही यहाँ पर नॉट हमें रख देना है। तो इस तरह हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। निगेटिव सेंटेंस में हमें करना क्या है, निगेटिव सेंटेंस जो भी है हमारे पास, तो जो निगेटिव सेंटेंस में करना क्या है, जैसा भी निगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस के बाद तुरंत ही नॉट का यूज करना है और पूरा स्ट्रक्चर उसी तरह ही फॉलो करना है। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल के बाद नॉट, फिर हैव बीन या शैल हैव बीन, जो भी है हैव बीन के बाद एम बी फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर के बाद टाइम का यूज ही किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर, कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। अगर नेगेटिव सेंटेंस में कहा गया वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, तो वह 2 वर्ष से नहीं कर रही होगी गर्ल है, नेगेटिव के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया गया रहा होगा रही होगी ऑलरेडी टेंस की पहचान भी है और समय हमारे पास 2 वर्ष से है, तो सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट हो गया कि हमारा टेंस ऐसा है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का ही है। तो इस सेंटेंस को अगर हमको बनाना है तो सबसे पहले क्या करा जाएगा, वह सी, फिर पीछे हम लोग देखेंगे सी के बाद विल निगेटिव है या शैल जो भी एक आएगा, तो शी विल नॉट हैव बीन कठिन परिश्रम वर्किंग हार्ड 2 वर्ष से फॉर 2 years, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, शी विल नॉट हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 2 years। तो इस तरह एक एक वर्ड को हम लोग पीछे रखते हुए बनाते हुए सेंटेंस को चले आएंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की और, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा कंटिन्यूटी इसमें भी चल रही है, फ्यूचर की कंटिन्यूटी है, तो सेंटेंस में हमें क्या सब्जेक्ट है, तुम्हें के लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट में रखेंगे यू, यू के साथ लगेगा विल, नेगेटिव है तो नॉट, यू विल नॉट हैव बीन बुखार आना सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इतना हो गया सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब उसके बाद हमें 2 दिन से, दो दिन से हमारे क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, कौन से पता नहीं अनिश्चित समय है, 2 दिन कौन से, सोमवार मंगलवार बुधवार, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन से दिन है, 13-14 तारीख है कि 12 सोमवार मंगलवार है, तो इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्या है पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए इसके साथ लगाया जाएगा फॉर का यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर 2 डेज करके सेंटेंस को पूरा बनाया जाएगा, तो सेंटेंस क्या बना, यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज। इस प्रकार से हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, कौन सा हमारा होगा अगला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हमें करना क्या है, जो हमारे पास ये वर्ब सी, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वो उसमें हमेशा सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या के लिए विल या शैल को सबसे स्टार्टिंग में रखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखकर पूरे वाक्य को बिल्कुल सीधा स्टेप से उसी तरह बनाते चले आएंगे। अब हम लोग आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की ओर, तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो भी इंट्रोगेटिव हमारे सेंटेंसेस हैं प्रश्नवाचक वाले वाक्य होंगे उनमें सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले हमको विल या शैल को ही रखना है और बाकी सेम स्ट्रक्चर उसी तरह ही सब कुछ है। तो सबसे पहले सेंटेंस स्टार्टिंग क्या के लिए क्या होगा, शैल या विल, फिर सब्जेक्ट हैव बीन,
उसके बाद एमवे की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर के बाद टाइम को रखकर लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर किया जाएगा। तो ये जो इसके साथ अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव कोई सेंटेंस होता तो यहाँ पर हम लोग नॉट का यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल प्रॉपर उसी तरह ही बन रहे हैं। तो चलते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस हमारे पास कौन सा, पहला सेंटेंस लोग देखते हैं, क्या हम उसका इंतजार सुबह से करते रहेंगे। तो क्या सुबह से करते रहेंगे, सुबह से कंटिन्यूटी चल रही है और सुबह से टाइम भी हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या रखेंगे, क्या है, तो क्या के अकॉर्डिंग होगा हमारा शैल या विल। तो हम सब्जेक्ट है, हम के अकॉर्डिंग क्या रखा जाएगा, सबसे पहले रखा जाएगा शैल, क्या होगा शैल वी। फिर उसके बाद क्या, शैल वी हैव बीन, और फिर एमवी की फर्स्ट फॉर्म की क्या, इंतजार करना है मतलब वेट, और उसी में एनजी लगा दिया जाएगा, हो जाएगा वेटिंग। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या था, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम, उसका ही हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखा गया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखा गया। फिर सिंस या फॉर, तो सुबह से, सुबह निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या बना, शैल वी हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। अगले सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कैसे बनाया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस ये है, सेंटेंस क्या है, क्या मैं दो दिन से कमरे की सफाई कर रहा हूंगा। तो इसमें भी वही कंटिन्यूटी दी गई फ्यूचर की, दो दिन से टाइम भी दे दिया गया है। क्या मैं दो दिन से कमरे की सफाई कर रहा हूंगा, तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा, मैं के लिए हो जाएगा शैल, शैल सबसे स्टार्टिंग क्या के लिए हो गया, शैल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, शैल आई सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव बीन और एमवी की फर्स्ट सफाई करना, क्लीनिंग द रूम, और किससे, सिंस या फॉर, क्या दो दिन से पता नहीं, फॉर टू डेज। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बना, शैल आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम सिंस फॉर टू डेज, क्या बना, फॉर टू डेज, दो दिन अनसर्टेन है। तो हम लोग का कंप्लीट सेंटेंस यही बन गया, शैल वी हैव बीन स्वीपिंग या क्लीनिंग द रूम फॉर टू डेज, इस तरह सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होंगे, डब्ल्यू एच टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे वो वाक्य जैसे मैंने पिछले टेंसेस में सभी बताया है, उन वाक्यों में सेम प्रॉपर हमें जो भी डब्ल्यू एच वाक्यों के कब क्यों कहां है इसको निकाल करके सबसे स्टार्टिंग में रख देना है, उसकी इंग्लिश सबसे पहले रख देनी है, बाकी पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जाएगा। जैसा भी सेंटेंस सब टोटल इंट्रोगेटिव की तरह ही हम लोग बनाएंगे, और जैसे सेंटेंस पूरा वही सेम रहेगा इंट्रोगेटिव की तरह ही, और डब्ल्यू एच वर्ड एडसिव जैसे कब क्यों कहाँ कौन है उसको आगे रख दिया गया और ये हटा दिया जाएगा, पूरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव की तरह ही बनाया जाएगा। अब लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। तो डब्ल्यू एच टाइप वाला पहला सेंटेंस हमारे पास कौन सा है, जैसे डब्ल्यू एच वाला पहला सेंटेंस है, कुत्ते आधी रात से कहाँ भौंक रहे होंगे। क्या सेंटेंस, कुत्ते आधी रात से कहाँ भौंक रहे होंगे, तो कहाँ के लिए हमने सबसे पहले निकाला कहाँ को, कहाँ हमारा डब्ल्यू एच वर्ड है यहीं पर कहाँ, तो कहाँ के लिए हम लोग क्या रखेंगे, सबसे पहले होयर का यूज किया जाएगा, क्या करा जाएगा, सबसे पहले करा जाएगा होयर, क्या यूज किया जाएगा, होयर का यूज किया जाएगा। फिर उसके बाद विल या शैल, कुत्ते हैं तो कुत्ते के साथ होगा विल, होयर विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, द डॉग्स, फिर हैव बीन, फिर बार्किंग भौंकना, बार्किंग एमवी फर्स्ट वर्ब बार्किंग, फिर कहा मिडनाइट आधी रात है, तो सिंस मिडनाइट के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिया जाएगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया, वेयर विल द डॉग्स हैव बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट। इस प्रकार से पूरे वाक्य को बनाया गया, एक एक वर्ड को रखा गया। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं, अगला सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस ये है, नेक्स्ट सेंटेंस पर ये है, वह आलसी लड़का 2 घंटे से क्यों सो रहा होगा, वह आलसी लड़का 2 घंटे से क्यों सो रहा होगा। तो इसमें क्या है, इसमें डब्ल्यू एच वर्ड हमारा है क्यों, क्यों के निकाला गया, सबसे पहले क्यों के लिए होगा वाई, वाई के साथ विल, वह आलसी लड़का सब्जेक्ट डैट लेजी बॉय, वाई विल डैट लेजी बॉय, फिर उसके बाद क्या हैव बीन सोना, एम बी फॉर स्लीपिंग, स्लीपिंग अब इसमें कुछ बचा नहीं, नेक्स्ट आगे क्या आता है, 2 घंटे से स्लीपिंग, 2 घंटा अनसर्टेन टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर 2 आवर्स। तो सेंटेंस हमारा क्या बना,
नेक्स्ट हमारे क्या सेंटेंस है, क्यों? तो वाई विल दैट लेजी बॉय हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से सेंटेंस को बनाया जाएगा। अगर एक एक सेंटेंस कोई भी है, कोई भी प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर याद है, तो सभी प्रकार के सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं। और प्रॉपर टाइम में सेंटेंस अगर कोई आपको करेक्शन इनकरेक्शन सेंटेंस अगर दिया है, तो सेंटेंस को करेक्ट इनकरेक्ट भी आप सही तरीके से कर सकते हैं कि सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ये करेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई गलती है। तो करेक्शन सेंटेंसेस भी, अगर आपको कंप्लीट टेंस की जानकारी है, तो कंप्लीट टेंसेस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक है, फिल द ब्लैंक्स है, वर्ब की ब्लैंक्स है, वर्ब की करेक्ट फॉर्म मतलब वर्ब भरना है, तो उन सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप सभी सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क मार्क में अगर इंटरोगेटिव तो लास्ट में जरूर रखा जाएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो भी एक प्रकार की मिस्टेक है अगर आपने नहीं लगाया तो इस प्रकार के कोई भी सेंटेंस है तो कंप्लीट किया जाता है। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में आज आपको अफॉर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव, 4 प्रकार के सेंटेंसेस को बताया है। तो इस प्रकार आप सभी सेंटेंसेस को प्रॉपरली सेंटेंस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग देखिए, और वीडियो को मेरी सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।